हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, जो इंडियन ज्योग्राफी है तो उसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं पहले, और कुछ टॉपिक को भी हम इसी में देख लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे जो प्लेलिस्ट चल रहे हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल वे में मैं पढ़ाता हूँ, तो ये भी जो प्लेलिस्ट चलेगा तो ये भी कॉन्सेप्चुअल वे में चलेगा। तो अब मैं जो हिमालय है तो हिमालय पढ़ाऊंगा, तो ये नहीं है बस आपको बता दूंगा कि चार भागों में बटा है, ये पीक पे है, उधर ईस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, ऐसे नहीं होगा। हिमालय का हम देखेंगे फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हमारे लिए, देश के लिए क्या क्या महत्व है उसका, ये सब चीज़ें हम उसमें जानने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में हर एक चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, मतलब हर एक चीज़ों का रीजन जानने का हम कोशिश करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसमें अपने टॉपिकों को। तो पहला टॉपिक है इसमें कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम देखेंगे। तो मतलब जो पहले बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम देख लेंगे कि कितने स्टेट वगैरह हैं, तो उसमें हम फिजिकल बाउंड्री भी देखेंगे और पॉलिटिकल बाउंड्री भी देखेंगे। तो पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब कि जैसे स्टेट बटा हुआ है, हमारे 28 स्टेट जैसे हैं तो वो स्टेट बटा हुआ है तो वो उसको पॉलिटिकल बाउंड्री बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि स्टेट पूरा बटा हुआ है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे बटा हुआ है, तो ये आपका पॉलिटिकल मैप इसको बोलते हैं। और ये जो है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये आपका फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप मतलब कि ये स्टेट वगैरह से मतलब नहीं होता है, इसमें पहाड़ी पठार वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये मैं आपको फिजिकल मैप भी दिखा दूंगा और पॉलिटिकल मैप दोनों हम देखेंगे, और बेसिक राज्यों के बारे में, कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, भारत का क्षेत्रफल, ये सब बेसिक चीज़ें आज कंप्लीट हो जाएंगी यहाँ पे। और बाकी चीज़ों को हम हिमालय वगैरह जितने फिजिकल स्ट्रक्चर है भारत के वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, और बाकी सब चीज़ें भी चलेंगी। तो जैसा ये इंडेक्स बना है, तो इंडेक्स तो अगर आपको कम लग सकता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि इंडेक्स में अभी नहीं लिखी हैं, तो वो भी चीज़ें आएंगी इंडेक्स में। तो पहले हम देख लेंगे भारत और केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं उसके बारे में हम देख लेंगे, और बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम ले लेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का जो भौतिक रूप है, तो भौतिक भी रूप देखना जरूरी है, तो वो तो पॉलिटिकल जो होगा रूप वो हम देख ही लेंगे, जो स्टेट वगैरह बटे हैं, कौन सा स्टेट कहाँ है और कौन से स्टेट से कौन सा बाउंड्री वगैरह लगता है ये भी हम थोड़ा देख लेंगे, और कौन से जो देश हैं हमारे पड़ोसी उनके साथ कौन से स्टेट टच करते हैं बाउंड्री, तो ये सब भी क्वेश्चन आता है पीसीएस के एग्जाम में, तो वो आपको जानना जरूरी होगा। तो मेनली पीसीएस को भी टारगेट किया जाता है, तो इस वजह से फैक्ट लेना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं, तो इस वजह से ये जरूरी हो जाएगा। तो भारत का भौतिक स्वरूप हम देख लेंगे, जिसमें कि पांच भागों में बांटा गया है, हिमालय भाग मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तो वो जब टॉपिक होगा तो आपको बताऊंगा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ये सब बांटा गया है, तो वो हम उसमें देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे हिमालय के बारे में, भूवैज्ञानिक गठन, हिमालय के बारे में बहुत सारी चीजें आएंगी, हिमालय का बहुत तरह से विभाजन किया गया है वो हम देखेंगे, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो बहुत सारा चीज हम देखेंगे हिमालय में, क्योंकि हिमालय से बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह आता है, और क्या क्या इफेक्ट करता है हमारे मानसून वगैरह को भी हिमालय की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, वो सब हम चीजें यहाँ पे देखेंगे। फिर भारत का रेगिस्तान वगैरह भी देखेंगे, और रेगिस्तान से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि रेगिस्तान बढ़ते जा रहा है हमारे देश में, तो राजस्थान का जो आप देखेंगे रेगिस्तानी इलाका है, तो वो धीरे धीरे अब इधर भी बढ़ रहा है हमारे इलाकों में इंडिया के, तो वो भी हम देखेंगे, उसके चैलेंजेस क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है, भारत सरकार द्वारा भी क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो हम देखेंगे। फिर पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, जो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट है वो भी हम देखेंगे। तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, तो ये है पश्चिम घाट आप देख सकते हैं, और ये पूर्वी घाट बोला जाता है, तो ये भी हम देखेंगे। तो आने वाली टॉपिकों में हर एक चीज़ उसमें एक एक टॉपिक खोल के आपको बताई जाएंगे। फिर हम देखेंगे तटीय मैदान और द्वीप, तो बहुत सारे द्वीप भी हैं हमारे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो वो सब इंपॉर्टेंस क्या है द्वीपों की, ये सब भी हम देखेंगे, ऐसे नहीं कि बस द्वीपों के बारे में जान लेंगे, तो द्वीप के बारे में इंपॉर्टेंस क्या है आखिर हमारे लिए उन द्वीपों की, ये सब उसमें हम जानने का कोशिश करेंगे। और भारत की जलवायु भी देखेंगे, वर्षा वगैरह के बारे में, मौसम वगैरह इसमें आपको बताई जाएंगी, कैसे कैसे बारिश जो हमारे देश में मानसून आती है, कब से कब टाइम पीरियड है, ये सब भी हम देखेंगे। भारतीय मानसून को जो प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर है वो भी हम देखने का कोशिश इसमें करेंगे। और फिर नदियों के बारे में भी देखेंगे, नदी प्रणाली मतलब हमारा जो नदी प्रणाली है, तो नदियों के बारे में देखेंगे उसमें, और हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि दक्कन के पठार से बहती हैं, तो उसमें हम देखेंगे नदियों के बारे में, और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, पूर्व में बहने वाली नदियाँ, हर एक चीज़ें उसमें हम देखेंगे, और रीजन भी देखेंगे, अंतर भी देखेंगे, पूर्वी नदियों को, पश्चिमी नदियों को, फिर हम देखेंगे नॉर्थ जो हमारी नदियाँ हैं और जो साउथ की नदियाँ हैं, तो उसमें अंतर देखेंगे, क्योंकि साउथ की जो नदियाँ हैं
वो अपनी बूढ़ी अवस्था में, मतलब माना जाता है कि वो बहुत पुरानी नदियां हैं और ये जो है हिमालय की नदियां, तो ये अभी बहुत युवा अवस्था की नदियां हैं, तो ये भी हम देखेंगे उसमें। और भारत की नदी घाटी परियोजना भी थोड़ा सा हम देख लेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और अभी भी आ सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। और बिल्कुल मैप से देखेंगे, तो मैप से देखने पर आप लोगों को बहुत याद रहता है, तो वो मैप से आपको दिखाऊंगा। तो जहाँ पे मैप वाली चीज़ों का जरूरत है तो मैं मैप डालूंगा, और जो सब्जेक्ट में मैप का जरूरत नहीं है, चाहे PPT का जरूरत नहीं है, तो वो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो हुआ है चैनल पे, तो उस पे मैंने हाथ से लिख के आपको बताया। और हाथ से लिख के तो चार्ट वगैरह तो मैं बना ही देता हूँ हर एक टॉपिक का, ताकि समझने में इजी हो सके आप लोगों को। और उसके बाद हम देखेंगे भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, तो वनस्पतियों का भी विभाजन किया गया है, वनस्पति के बारे में हम देख लेंगे, वनस्पति का जो वर्गीकरण है वो भी हम देखेंगे। और भारत की मिट्टियाँ हैं तो मिट्टी के बारे में भी हम देखेंगे, और मिट्टी का वर्गीकरण हुआ है और क्या क्या मिट्टी में इंग्रेडिएंट होते हैं, ताकि मिट्टी का मतलब कि कलर वगैरह चेंज हो जाता है, वो सब भी हम देखेंगे। तो मिट्टी के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और भारत की कृषि के बारे में देखेंगे, फसल के बारे में देखेंगे, फसल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, और पद्धतियाँ भी देखेंगे और प्रकार भी देखेंगे, कैसे कैसे कृषि होती है, कितने प्रकार की कृषि विश्व में होती है, और हमारे यहाँ कौन कौन सी कृषि होती है, ये भी हम इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे भारत के उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री जो है कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, और ये भी हम देखेंगे कि आखिर में रीजन क्या है कहीं पे जो हेवी इंडस्ट्री है वो लगने का, चाहे खदान के पास कोई इंडस्ट्री लगती है, तो उन सब का हम महत्व देखेंगे। और थोड़ा हम ये भी कंपेयर वगैरह भी करेंगे, तो वो तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि इंडस्ट्री के बारे में कंपेयर करना हमारी क्यों नहीं ग्रोथ हो पा रही है, लेकिन वो सब तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे। और फिर देखेंगे कि कौन कौन सा मेन हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, और उनका लोकेशन देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, और लोकेशन क्यों वहाँ पे है ये भी आपको जानना ज़रूरी होगा, कि जो हेवी इंडस्ट्री है तो वो जहाँ से खुदाई वगैरह होती है वहीं पे क्यों लगाई जाती है, तो इंडस्ट्री भी लगने का बहुत रीज़न होता है, कोई इंडस्ट्री कहीं पर लगती है, तो वो भी हम उसमें देखेंगे। और भारत की झील वगैरह भी देख लेंगे, थोड़ा सा जलप्रपात होता है जो पास होते हैं दर है, वो भी हम थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। और फिर हम खनिज संसाधनों के बारे में देखेंगे और वितरण देखेंगे, हमारे यहाँ कौन कौन से खनिज पाई जाती है, खनिजों का जो वर्गीकरण होता है वो भी हम देखेंगे, उसमें बहुत सारा वर्गीकरण होता है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक, ये सब भी हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे, और कहाँ कौन कौन सी खनिज पाई जाती है इंपॉर्टेंट वो भी हम देखेंगे। फिर राष्ट्रीय उद्यान वगैरह के भी बारे में देखेंगे, वन्य जीव अभ्यारण भी देखेंगे, बाघ अभ्यारण, थोड़ा ये सब भी हम देख लेंगे, क्योंकि UPSC में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं लोकेशन को लेकर, कि कौन से बाघ उद्यान में कौन सा जीव वगैरह रहता है, वो भी हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। फिर हम अपने मानव भूगोल को भी देखेंगे, तो जो ज्योग्राफी होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन जो ज्योग्राफी होता है उसको भी मैं आपको इसी में कंप्लीट कर दूंगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है, उसमें जनगणना वगैरह देखनी होती है, जो पॉपुलेशन होता है उन सब के बारे में देखना होता है, मतलब कि जो आपके लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें चलती रहती हैं वो सब हम देखते हैं। और अवसंरचना देखेंगे, फिर परिवहन देखेंगे, राजमार्ग देखेंगे, अंतरदेशीय राजमार्ग, तो एक तो लैंड से हमारा रोड के तहत ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर आप देखेंगे कि रेल वगैरह से भी ट्रांसपोर्ट होता है, फिर आप देखेंगे कि पानी के तहत भी होता है, तो ये सब भी हम देखेंगे, तीनों चारों ट्रांसपोर्ट जो भी सुविधाएँ होती है ट्रांसपोर्ट की वो भी देखेंगे, क्या क्या चैलेंजेस वगैरह हैं वो भी हम इसमें देखेंगे, कृषि विनिर्माण उद्योग तृतीय गतिविधियाँ ये सब हम इसमें देखेंगे, तो कृषि वगैरह मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, कृषि वगैरह हम देखेंगे, और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर, ये सब की भी हम बात इसमें कर लेंगे। और फिर हम भारत की जनजातियों के भी बारे में देखेंगे, तो जनजातियों से भी क्वेश्चन बहुत सारे आ गए हैं और आ सकते हैं, आपको कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, कितने भाग में, मतलब भारत की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो जनजातियाँ हैं ये भी हम इसमें देखेंगे। फिर बस्तियों के बारे में देखेंगे, शहरीकरण से क्या समस्या है, शहरीकरण इतना तेज क्यों हो रहा है और उससे प्रॉब्लम वगैरह क्या हो रही है वो भी हम देखेंगे, थोड़ा सा दिल्ली पॉल्यूशन का भी हम बात उसमें करेंगे, और शहरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हुए हैं जो बड़े बड़े शहर हैं उनके बारे में हम देखेंगे, फिर मिलियन शहर और मेगा सिटी वगैरह ये सब जो गवर्नमेंट की है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये कुछ आपका सिलेबस है, और मतलब इतना ही चीज़ें नहीं आएंगी, बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी, जो कि हर एक टॉपिक चला है तो उसमें आप देख ही सकते हैं कि कितना चीज़ें आपको बताई जाती हैं, तो वो भी हम इसमें देखेंगे आने वाले टॉपिकों में, क्योंकि उतना सिलेबस मैं नहीं लिख सकता था, तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो ये है इंडियन ज्योग्राफी का इतना सिलेबस। ओके गाइज, थैंक यू, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।